وقت پتہ خبر نامس من دوبارہ خیر مقدم شمالی کشیر ورمول پٹن مارکی پورہ علاقس من آواز بلاک دوس پروگرام سنز گنی ات من ضلع انتظامی کیو ذمہ دار علاو عام لکن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ لکن ہند مسئلہ مسائل بوزن آئے تو کہیا مسئلہ جائے موقع پہ حل کرنے آمت یل زن لکن یقین دن آو تہند باقی تلنا آمت مسئلہ تہ جلدی حل کرنے یت لکن راحت وات देखिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो ये ब्लॉक दिवस है एवरी वेंसडे तो इसके सिलसिले में जो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा की भी डायरेक्शन है दैट कि जो रिमोट विलेजेस होंगे या पीछे जो काफ़ी इलाके होंगे उनमें आप चले जाएं तो उसी के सिलसिले आज यहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पटन है उन्होंने यहाँ मार्कीपोरा का जो है इलाका चुना और यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक दिवस किया। डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जो यहाँ पर मसाइल हैं वो रेज हुए विद द पब्लिक। कुछ जो मसाइल हैं जो हम यहाँ मौके पर ही हल कर सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे जायज़ा लेके हल किया और कुछ मसाइल ऐसे रहते हैं कि जिनको हमारे सीनियर्स की इंटरवेंशन ज़रूरी है तो उस सिलसिले में आई विल डेफिनेटली टेक अप विद माय सीनियर्स अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबा से या डिफरेंट एचओडीज जो होंगे उनसे मैं ये टेकअप कर लूँगा एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि जो ये ब्लॉक दिवस का सिलसिला है दिस विल ब्रिंग ए बेटरमेंट टू द एरिया एंड यहाँ के जो मसलो मसाइल हैं जो इलाके के उनको अजाला करने में ये आगे की राह। یمیرہ جنوبی کشیر ترال انتظامیہ طرف تہ دودمرگ ترالس مز بلاک دوس تقریب ہند سنز کرنے یمی صدارت ایڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاشن کر ات موقع پہ انتظامی باقی ذمہ دار تہ تقریب مز موجود اس تت کر مقامی لوکو تہ ات پروگرامس مز شرکت تا دوران یت لوکو طرف کہیا معاملہ وتلان آئے تت کہیا شکایت جائے موقع پہ حل کرنے آمز تا ات موقع پہ لوکو طرف یت پروگرام منعقد کرنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کرنے آمت से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना। देखो जनाब, जहाँ हमारे एडीसी साहब आ जाएँ जहाँ की बात रही ये हम शुक्र गुजार हैं एडीसी साहब के। ये जो हमारी दुराना डिमांड थी वो हमने इसकी नोटिस में लाए सर। हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी क्योंकि टूरिस्ट की, तो आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारा मसला ये भी हल हो जाएगा। उसके रह गया मजीद मसला जो पंचायत में रोड का, पानी का, बिजली का, सड़क का था सर, तो वो हमारे कई मसले हल हुए हैं तो उनके लिए इस वक्त में एडीसी साहब खुद भी आए प्लांट पर जाएंगे तो नज़र भी देंगे। कुछ काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारी रोड है, कहीं रोड की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, लोगों को कोई नहीं अभी तो रेकन रह के कुछ थोड़ा जो डिमांड है यहाँ सर डिस्पेंसरी की डिमांड थी लोगों की तो वो हमें इसकी नोटिस में लाएँ। वो हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहना चाहते हैं, पहाड़ी इलाका है और सर यहाँ बस की कोई सहूलियत नहीं है, यहाँ सर मजदूरे पेश लोग हैं, तो हम ये इनसे भी अपील करते हैं और आपके वजह से अपने डिप्टी कमिश्नर बलगामा से भी अपील करते हैं कि हमें यहाँ बस सर्विस होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ये दूधमर्ग में हमारा आज आउटरीच प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, तो इस आउटरीच प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट को जो है लोगों के डोर स्टेप्स पर पहुँचाए, उनके जो मसाइल हैं वहाँ उनके सामने उनके मसाइल सुने और उन मसाइल को कोशिश करें कि जितनी जल्द और जितनी बेहतर और अफजल तरीके से उनका अजाला हो सके उनका हम अजाला करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जो इस हलके में ये जो इस जगह इन लोगों ने कुछ मसाइल उठाए और उन मसाइल को जितने भी मेरी लेवल पे जो होंगे वो मैं हल जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूँगा और जो मेरे ऊपर मुझे किसी और इंस्टीट्यूशन को भेजने होंगे तो उनका भी हम भेज देंगे। और जहाँ तक यहाँ पे जो काम हुए हैं उनका भी मैं सराहना करता हूँ कि पिछले दो तीन साल से जो काम हुए हैं चाहे वो पीएचई के ज़रिए से हो, चाहे वो हेल्थ और चाहे रोड कनेक्टिविटी के ज़रिए से हो, इन लोगों ने खुद हमारे सामने ये कहा उसका बाज़ाब्ता तौर उन्होंने एतराफ़ किया कि पिछले जो दो सालों में ये काम जो हुए हैं ये वाकई एक सराहने की ज़रूरत है। तो ये इनका एक जो हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा है उसको मुझे लग रहा है कि एक मुस्तहकम भरोसा इनका हमारी गवर्नमेंट पे है, तो मैं चाहूँगा कि इस मुस्तहकम भरोसे को आइंदा भी हम पाए।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तरफ आवाज टंगडार करना मज एक रेस मुकाबल सन् तलबिल एक खास तदाद हिस्सनो अथ मौक पे मुतलिक अफसरों तलबिम सत बा कर बेहतरीन कारकरदगी हवन वल तलबिम इनामों सवाजन आमित जन तलबिलमो इत प्रोग्राम मुनद कर पे मुतलिक इंतजाम शुक्रिया अदा कर्म आजादी के गौरवशाली बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे एक वाकतुल जो मुनक्कत की गई उसमें हमारे जीडीसी टंगडार के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और न्यू लाइट के बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। आज हमें ये जो पार्टिसिपेशन करवाई जाती है इसलिए कि हमारी फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हमें 6 किलोमीटर की वॉक थी उसमें से बच्चों ने अच्छी तरह से वॉक की, उसमें 3 पोजीशंस आई हैं और तीनों पोजीशन जो हैं जीडीसी टंगडार की हैं। ये जीडीसी टंगडार के लिए प्राउड मूवमेंट है और हमारे जो खासकर हमारे एचओडी एनवायरनमेंट मिस्टर परवेज अहमद साहब और हमारे पीटीआई सर मिस्टर मुनीर अहमद सर और प्रिंसिपल सर उनकी बदौलत ये जो आज वाकतुन थी इसको सक्सेसफुल इसको काम दिया गया। हम इसमें इनका बीएसएफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अभी ऐसी पार्टिसिपेशन ली और पहली 3 पोजीशन हासिल की। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मिशन लाइफ के तहत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके तहत इस साल तो इंडिया की G20 प्रेजिडेंसी भी है तो उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें ये वाकाथन भी रखी गई थी 27 बता दी बीएसएफ की तरफ से कॉलेज के साथ मिलकर। तो इसमें जो पार्टिसिपेट की जो मकसद ये था कि लोगों में पैदल चलने का शऊर पैदा किया जाए, फिजिकल फिटनेस का शऊर पैदा किया जाए ताकि लोग जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं ये इन कामों की तरफ रागब रहें, एकेडमिक्स के साथ जुड़े रहें, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें और अपनी फिजिकल फिटनेस है उसको भी मेंटेन रख सकें। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं खास करके जो नशा की बुरी आदतें पड़ी हुई हैं सोसाइटी में उनसे दूर रहें और अपना जो इनका मकसद है आगे जाके वो सही मकसद जो है एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में वो आगे जाके हासिल कर सकें। 27 तालीम दिया सबने ये बड़ी खुशायद बात है कि इंडियन आर्मी भी प्रोग्राम करती रहती है, आज बीएसएफ ने भी प्रोग्राम किए इनके पहले भी। शुमल कशीर सिराजपुर रामहाल हंदवरस मज आवाज एक निजी स्कूल तरफ सीरत मुकाबल सन् कर तलबिलमो वालदेनो तो अवमी नुमदों शिरकत कर अत मौक पे तलबिलमो तरफ कही प्रोग्राम पेश कर आए तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इस्लामी तलीमत पे अमल कर जरूरत युत दुनिया सत सखरत मज कामयाब सपदो। जी आज हमने अपने स्कूल में ब्राइट केयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सराजपुरा में सीरत कॉन्फ्रेंस मनाया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि हम दुनिया की तालीम में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, दीन की तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैं मतलब ये देना चाहती हूँ पैगाम कि हमें दीन की मतलब तालीम की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। आज के नौजवान ड्रग्स में मुबतला हो रहे हैं या मतलब लड़कियाँ भी ड्रग्स में मुबतला हो रही हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी मतलब जो उसने बताई है हमें राह उस पर चलना चाहिए, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि जो मतलब वेस्टर्न कल्चर है उसको हम मतलब अपनाएं, नहीं हमें अपना दीन अपनाना चाहिए। जो हमारे पैगंबर ने हमें बताया नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दुनियावी तालीम भी हमारे लिए ठीक है। हाँ दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें अल्लाह के पास जाना है, उसके सामने हमें दीन की तालीम ये दुनिया की तालीम का क्या करना है। अल्लाह हमें दीन के बारे में वहाँ पूछेगा, हम वहाँ अल्लाह नहीं पूछेगा ना ये फिजिक्स या केमिस्ट्री वो पूछेगा। ये भी ठीक है कि हमें पढ़ना है, हाँ दुनिया के साथ भी चलना है लेकिन अपने दीन को भी साथ लेके चलना है, अपने दीन को छोड़ना नहीं है, दीन को भी लेके चल। बच्चों में आज कुछ ये दूर भागे जा रही हैं अखलाकियात से, जब हमारे सोशल लेवल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तो
मेरे ख्याल से हर एक स्कूल को यह करना चाहिए कि लास्ट थ्री ईयर से अक्सर स्कूलों में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कभी मदर्स डे होता है, कभी एनुअल डे होता है, कभी और कोई डे होता है, एनवायरमेंटल डे होता है, टीचर्स डे होता है, लेकिन उसमें अखलाकियात की तालीम बच्चों को नहीं मिल रही है। तो सीरत कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त हम उस पैगंबर के पास जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को हम जांच लेते हैं और पढ़ लेते हैं जो पूरी आलम के लिए रहमतुल आलमीन अल्लाह ने उनको बनाकर भेजा था। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, ये कुरान में वाज़ेह है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। तो स्कूल में हमारा आज ये प्रोग्राम करने का यही मकसद है कि हम बच्चों को शुमल कशीर सरहदी इलाक़ करनास से ताल्लुक था वाजी शायस्त इलियास दोहि जुमत सालिबान दिल्ली नेशनल ताइकंडो चैम्पियनशिप मन सुन सुन मेडल हासिल कर्मत यह वह दस गर्वज तत आत शानदार इस्तबाल कर मौक पे कत कान बाकी तलब इलम अपील कर्म तम त मेहनत करें युत तम तन तो पे वाले नाव रोशन करें। And I live in Karna. When I was in 9th grade, I started my taekwondo classes. So from there, I started playing martial art. बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि देर इज़ नो सच काइंड ऑफ एकेडमी इन आवर स्कूल विच वी ज्वाइन एंड प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट। हमारे स्कूल में ऐसी कोई भी एकेडमी नहीं है जहाँ पे हम कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। इवन कि हमारे स्कूल में क्या पूरे करना में कोई ऐसी एकेडमी है ही नहीं जहाँ पे हम कोई भी स्पोर्ट सीख सकते हैं या फिर खेल सकते हैं। तो मैंने जो बट मेरे जो टीचर्स हैं वो दे आर सो स्पोर्टिव, वो मुझे हमेशा इनक्रेज करते थे। वो ख़ास करके मेरे आल ही पूरे ही टीचर्स, बट जो मेरे स्पेशली मेरे प्रिंसिपल सर हैं आफ्ताब सर और अमरजीत सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड में जाना चाहिए। तो नाज़रीन ये कोशिश खबर नाम होती है, इतना सयान दियो इजाज़त, खुदा सवा।